नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में। हम सभी भी कहीं ना कहीं एक गार्डन लवर जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई कारणों के चलते अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते। कई बार जगह की कमी होती है और कई बार तो हम स्पेस मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाते। क्या आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? सोल्यूशन हमारे पास है। अगर ग्राउंड स्पेस आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, एयर स्पेस तो अपना ही है ना। जी हाँ, एयर स्पेस को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इन हैंगिंग बास्केट्स के चलते। इसमें आप चाहे वेजिटेबल्स लगाएं, फ्लावर्स लगाएं या फिर कोई हर्ब्स लगाएं, बहुत ईजिली ये सब किया जा सकता है और यहाँ तक कि इन बास्केट्स को अपने घर में ही रेडी किया जा सकता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कैसे आप इन बास्केट्स को तैयार करें और इसे अपने घर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएं। आजकल लोगों के पास घरों में जगह कम है। वर्टिकल गार्डनिंग बहुत अच्छी चल रही है। वर्टिकल गार्डन हम बास्केट मेकिंग में भी वर्टिकल वॉल्स पे लगा सकते हैं, नहीं तो हैंगिंग बास्केट्स। हैंगिंग बास्केट्स का ये है कि आप कहीं पे भी उसको हुक लगा के टांग सकते हैं और अपना पैशन पूरा कर सकते हैं। जैसे मार्केट में डिफरेंट साइजेस की बास्केट्स अवेलेबल हैं, लाइनर्स अवेलेबल हैं, ग्रीन नेट जो हम लोग अपने शेड के लिए लगाते हैं वो अवेलेबल है, मॉस ग्रास अवेलेबल है। अगर मॉस ग्रास नहीं मिलता है तो कोकोनट के जो पील्स होते हैं उसको हम भिगो के वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर साइज़ के साथ के लाइनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ये 8 इंची का है, ये 10 इंची का है और ये 12 इंची का है। तो जिस साइज़ के आप बास्केट लगाना चाहते हैं, जिस तरह की आपके पास जगह है, उस हिसाब से आप मार्केट में मटीरियल खरीद सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि जब आप एक लाइन में एक चीज़ लगा रहे हैं तो एक साइज़ की लगाएँ। ऊपर नीचे लगा रहे हैं तो आप साइजेस में डिफरेंट कर सकते हैं कि एक बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, लेकिन बेटर सिमेट्री के लिए आप एक ही साइज़ की बास्केट यूज़ करें। जैसे हमको शुरू करना है तो हमारे औजार भी पूरे हमारे पास होने चाहिए। खुरपी हो गई, शार्प कटर सीजर्स हो गया और एक कटिंग के लिए सीजर्स। लेकिन कटर जो होने चाहिए बिल्कुल शार्प होने चाहिए कि एक बार में ही आपका जो भी कटिंग काट रहे हैं वो एक बार में कट जाए। बार बार उसको काटेंगे तो नीचे से डैमेज हो जाएगा और आपकी वो जो कटिंग है वो नहीं लग पाएगी। अब मैं आपको बास्केट बनाना सिखा रही हूँ जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लाइनिंग भी और बास्केट्स भी। और आजकल के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है तो ये अवेलेबल होने की वजह से आप बहुत इजीली बना सकते हैं बास्केट्स डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में। अब मैं आपको लाइनिंग वाली बास्केट का प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। ये हम इसलिए गीला कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सूखी हुई होती है और अगर हम इसे गीला नहीं करेंगे तो इसमें वाटर रिटेन नहीं रहेगा। और हम ऊपर से जो पानी देते हैं सोचते हैं हमने पौधे को पूरा पानी दे दिया, लेकिन हमारी जो लाइनिंग है वो गीली नहीं हो पाती है। और गीली ना होने की वजह से थोड़े दिनों बाद जो ऊपर का मिट्टी का पानी होता है वो सूख जाता है और पौधा मरने लगता है। जैसे हमारी पूरी लाइनिंग गीली हो चुकी है। ये अब इसके अंदर हम सबसे पहले सॉइल मिक्सचर लेंगे, जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट काउडंग मेन्योर जो बिल्कुल रॉटन काला ऐसा होना चाहिए। अगर जरा सा भी इसमें रह गया तो कीड़ा लग जाएगा, जिससे आपके पौधे में कीड़े आ जाएंगे। ये नीम खल है, ये हल्की भी रहती है और ऐसा पेस्टिसाइड भी काम करती है। ये कोकोनट का बुरादा है, बाज़ार में इसकी ईंटें मिलती हैं ब्रिक कंप्रेस्ड में। इसे हम पानी में भिगोएंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले हम मिट्टी की लेयर डालेंगे जो कि हमारे ऑलरेडी मिक्सचर है, इसमें गार्डन सॉइल, गोबर की खाद, नीम खल, पत्ते की खाद सब हमने पहले ही मिक्स किया हुआ है। अब हमने इसके अंदर ये मिट्टी बिछा दी अच्छे से पूरी। अब हम इसमें 2 मुट्ठी नीम खल डाल देंगे। नीम खल हमारा पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ करता है, पत्ते की खाद भी तरह यूज़ करता है। कीड़े नहीं लगते हैं नीम से, इसलिए हम नीम खल यूज़ करते हैं। चाहे इसको हल्का सा मिक्स कर दीजिए। और फिर हम इसमें कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट डालने से हमारा ये रहता है कि वाटर रिटेन रहता है इसमें। अगर गर्मियों में है कोकोपीट में पानी रोक लेता है, इसलिए हम कोकोपीट डालेंगे। अब इसके अंदर हम दोबारा मिट्टी भर रहे हैं। इसका सबसे मेन पार्ट ये है कि आपके इसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। एयर बबल्स रहेंगे तो प्लांट्स डीके हो जाएगा, सड़ जाएगा, हवा लग जाएगी जड़ों को। इसको हल्का हल्का बीच में दबा दीजिए, नहीं तो पैट कर दीजिए। अब हम इसमें क्लोरोफाइटम लगा रहे हैं।
और ये दो तरीके के होते हैं, ये वेरिकेटेड है जिसमें साइड में देखेंगे आप तो वाइट धारी नज़र आ रही है, एक पूरा ग्रीन आता है। तो ये वेरिकेटेड प्लांट और इसके सकर्स हैं, ये सकर्स इसलिए होते हैं कि इसके अंदर फूल भी आने लगते हैं और ये सकर्स के साथ में इसको यहाँ से कट करके भी आप इसको कटिंग के साथ लगा सकते हैं मानसून में। जैसे ये नर्सरी से हमने थैली में ख़रीदा है, पहले थैली निकालेंगे इसकी और आपको लगता है कि रूट्स पूरी बाउंड हो गई हैं तो हम हल्का हल्का इसको निकालेंगे, पूरा ना निकालें, पूरा निकालेंगे तो इसकी रूट बॉल जो बीच में मेन इसका जड़ है वो आपका टूट जाएगा और पौधा के डीके होने या मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बीच में हमने टोकरी में कैविटी बना के इसको बीच में प्लेस कर दिया सेंटर में। अगर एक लगा रहे हैं तो सीधा प्लेसमेंट होता बास्केट के हम सेंटर में लगा रहे हैं, आउट सेंटर नहीं होना चाहिए प्लांट। अब इसको करके मिट्टी से पूरा फिल कर दीजिए और इसको अच्छे से एयर बबल्स की तरह निकाल के इसको टाइट फिल कर दीजिए पूरा। इसको पूरा फिल होने के बाद देखिए आपका पौधा बिल्कुल इसमें, और फिर शेड में रखिएगा। कभी भी प्लांटिंग करने के बाद या रीपॉटिंग करने के बाद कभी भी धूप में नहीं रखते हैं पौधा, क्योंकि वो पूरा अपनी जड़ें हिल चुकी हैं, हवा में आ चुका है, तो इसलिए इसको पूरा शेड में रखिए एक दो दिन। जब आपको लगे कि हाँ अब इसको सर्वाइव कर सकता है तो धीरे धीरे आप इसे धूप में ले जाइए। अब हमारी ये बास्केट तैयार है, अब अभी इसे हैंग करने के लिए चेन इसमें लगाएंगे और आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। आप कभी इंडोर भी लगाना चाहें तो कोई भी प्लांट कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता, तो आप उसको एक आध दिन अंदर रख सकते हैं और फिर उसको फिर बाहर कर दीजिए, लेकिन अंदर से भी ले जाके एकदम धूप में मत रखिए, क्योंकि वो उसको दो दिन में बाहर की अंदर की आदत पड़ चुकी होती है, तो सेमी शेड में रखिए। अब ये जैसे हमने लगा ली बास्केट का, अब इसको देखेंगे ट्रायंगल कहाँ बन रहा है जिससे कि ये प्रॉपरली सेंटर आ जाए इसका। ये हमारी बास्केट तैयार है, ये हैंगिंग बास्केट। छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटने डाले। वो तो आपके हाथ में ना, 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम दूसरी टेक्निक जो कि बहुत पुरानी टेक्निक है यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारी मॉसग्राफ नेट और एक नई टेक्निक उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, परलाइट, वर्मिकुलाइट, कोकोपीट एंड नीम खल। ये इससे बास्केट्स का जो वेट है वो बहुत हल्का रहता है, बस इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत पानी रिटेन करने की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको ये बहुत देखना है कि आप धूप में ना रखें और इसको जब भी आप लगाएं शेड में रखें और जहाँ पानी इसमें बना रहे, बिल्कुल सूख जाएगा तो आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। अब हम इसका सबसे पहले आपको लाइनिंग का मेजरमेंट करना बताते हैं। हमेशा लोग क्या गलती करते हैं कि लाइनिंग को अंदर से नाप के काटते हैं, जब हम गमला लगाते हैं ट्राई करते हैं तो ये लाइनिंग छोटी हो जाती है। हमेशा बास्केट को नापने का तरीका उल्टा रखिए, नेट खोलिए, नेट खोलने के बाद इसको ऐसे सेमी सर्कल में यहाँ से नापिए, जैसे इतना मेजर आ रहा है तो थोड़ा फालतू काट के इसको काट लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काटा हुआ है ये साइज। अब हम इसको बास्केट को सीधा करेंगे, इसमें नेट बिछा देंगे पूरा, ये ओवरलैप कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप सोचें इसको काट दें, ओवरलैपिंग से आपकी नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये बाहर भी निकल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये मॉसग्रास जो हमने पहले ही भिगो के रखा हुआ है, और भीगने से देखिए पूरी हरी हो गई है घास, इसमें से ये फॉरेन पार्टिकल्स निकाल दीजिए जितने निकल सकते हैं, और इसको एक एक लेयर खोल के ऐसे पतली करके
पूरी टोकरी में अच्छे से बिछा दीजिए, बीच में नेट नहीं दिखनी चाहिए। तो इससे पूरी क्या रहेगा, आप इसकी जड़ें भी पकड़ लेगा आपका पौधा और इसमें वाटर रिटेन रहेगा। ये देखिए पूरी मॉस ग्रास अब हमने अच्छे से बिछा दी है इसमें, और हम नेट इसलिए बिछाते हैं इसके अंदर जिससे मॉस ग्रास नीचे से निकलने का भी डर रहता है पानी के साथ में, और चिड़िया लोग जो होते हैं वो घास समझ के अपना घर बनाने के लिए निकाल के ले जाते हैं। अब मैं आपको सॉइललेस मिक्सचर से ये बास्केट बनाना बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले इसके अंदर सॉइल राइट का मिक्सचर डालेंगे, फिर इसके अंदर हम परलाइट का मिक्सचर डालेंगे और साथ के साथ हाथ से मिक्स करते जाएंगे। फिर थोड़ा वर्मीकोलाइट डालिए इसमें, फिर मिक्स कर दीजिए। फिर थोड़ा नीम खल डालिए, फिर मिक्स कर दीजिए। एक चीज़ का लेयर नहीं रहना चाहिए, सब मिक्स होना चाहिए। फिर थोड़ा कोका पीट डाल दीजिए, फिर मिक्स कर दीजिए। और बीच बीच में इसके अंदर एयर गैप्स जो बन जाते हैं उन्हें फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एयर गैप जहाँ होंगे आपके जो रूट्स हैं वो सड़ जाएंगे। ये देखिए जितनी मैं उंगली नीचे अंदर डाल रही हूँ ये पूरी अंदर जा रही है, और जैसे हम इसको ठोकते जाएंगे ये पूरा अंदर सेटल हो जाएगा। ये पूरा अब हमारा तैयार हो गया है बास्केट, अब हमारे अंदर इसमें गैप्स नहीं है, एयर गैप्स बिल्कुल फिल हो चुके हैं। जैसे हमारे पास ये फॉक्सटेल फर्न है, इसे लोमड़ी की पूंछ भी कहा जाता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में फॉक्सटेल फर्न कहा जाता है। साइड में छोटे छोटे पत्ते हैं और बिल्कुल देखिए सारी पूंछें ऐसे लग रही हैं जैसे कितनी सारी लोमड़ियाँ एक साथ खड़ी हैं। अब हम इसको निकाल के अपसाइड डाउन करके थोड़ा सा हिला के, और कभी भी आप सूखी मिट्टी का नहीं निकालिए, हमेशा जब भी पौधे आप निकालें एक दिन पहले मिट्टी में गीले होने चाहिए, बिल्कुल सूखी नहीं होने चाहिए। अभी इसके अंदर ये बर्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा जो हो अभी तो इसमें इतना नहीं है और सीज़न भी थोड़ा कम है तो इसको हम काट के निकाल सकते हैं, नहीं तो ये न्यूट्रिशन पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं और ये रूट्स जल्दी भर जाते हैं तो पौधे के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसमें बीच में कैविटी बना रहे हैं और इसको हम राउंड घुमा के सेंटर के अंदर बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, और देखिए इसको हम फिर वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इसको पूरा मिट्टी में दबा देंगे। बिल्कुल भी जड़ों के पास से इसको ना दबाएं, बाहर की तरफ से करें। जब इसके अंदर नए पत्ते आते हैं तो इतनी खुशी होती है कि देखो हमने अपने हाथ से लगाए और आज हमारे बच्चे फल फूल रहे हैं। अब हम इसको पानी डालेंगे कोई स्प्रे बॉटल से, जैसे मिक्सचर हमारा सूखा था तो उसको पूरा वेट करना है। तो मॉस ग्रास तो हमारी गीली थी लेकिन फिर भी इसको पानी तो एक बार देना ही पड़ेगा पूरा, तो इसलिए हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे। आपको लग रहा है कि स्प्रे से नहीं हो रहा है तो आप शायद थोड़ा सा हल्के से ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं पानी पूरा। अब ये जो साइड में आपकी नेट बच गई है इसको या तो यहाँ ऐसे फोल्ड करके इसको इसमें यहाँ टक कर दीजिए पूरा चारों तरफ से, क्योंकि बाहर लटकी भी तो बहुत बुरी लगेगी, या इसको अगर कम बची है तो इसको आप इसके साथ स्टिच भी कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे करने के बाद इसमें ऊपर से मॉस ग्रास लगा दीजिए तो ये दब भी जाएगी और आपकी मॉस ग्रास से वाटर भी रिटेन रहेगा, इसमें मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा। ये चारों तरफ अब इसको ऐसे लगा दीजिए तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो आपका कहाँ गया। देखिए मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और ऊपर मॉस ग्रास बिछाती जा रही हूँ, इसके अंदर ये पूरी लेयर हो जाएगी। इसमें टाइमली आपको ये देखना पड़ेगा कि चिड़िया वगैरह मॉस ले जाती हैं और कुछ हवा के साथ कुछ उसके साथ निकल जाती है, तो आप दोबारा लगा दीजिए मॉस उसमें। और फिर जैसे हमने पहले उसमें बताया था उसमें वैसे ही हम लोग चेन लगा के, चाहे आप चेन दो दिन बाद लगा दीजिए, इसे सेमी शेड में रखिए, जब ये सेट हो जाए आपको लगे कि हाँ अब ये सर्वाइव कर जाएगा, ये आप जब तक देखेंगे आपको पता लगने लगेगा। आप अपने पौधों से बात करिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके पौधे आपसे चाहते क्या हैं, पानी मांग रहे हैं, धूप मांग रहे हैं, या कुछ खाने की कमी है। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो न्यूट्रिशन की कमी है, और ज़्यादा झड़ रहे हैं या गल रहा है तो नीचे कहीं कीड़ा तो नहीं है, तो थोड़ा सा गुड़ाई करके देखिए कीड़ा तो नहीं है। और फिर उसके लिए हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाते हैं जो कि हम इसमें डालते हैं। तो ये सब टाइमली आप जब तक नहीं देखेंगे, इनसे बातें नहीं करेंगे, तब आपको ये नॉलेज नहीं आएगी। देखिए हमारी बास्केट अब कितनी सुंदर लग रही है, पूरी भर गई है मॉस ग्रास से, मॉस ग्रास भी ग्रीन है, ये भी पूरी ग्रीन है, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है चारों तरफ।
छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सब ने हैंगिंग बास्केट तो तैयार कर ली, लेकिन अब उसमें प्लांट कौन से लगाने हैं, हमें किस चीज की जरूरत है और कैसे उसे तैयार करना है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सीड्स लगाना बताएंगे कि हम डायरेक्ट सोइंग कैसे कर सकते हैं बास्केट्स में। पालक, मेथी, चौलाई, मूली, ये डायरेक्ट सोइंग होती है। जितना बीज का साइज होता है उसी हिसाब से आपकी सोइंग होती है। अगर डीप सोइंग होगी तो आपका प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हमारा सॉइल मिक्सचर तैयार है, मिट्टी में वैसे ही नमी बनी हुई है जैसे पहले थी। अब हम इसकी सोइंग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ये मूली के बीज ले रही हूँ। ये लाल मूली है, गोल मूली, ये देखिए। हम इसमें होल कर लेते हैं, इतना एक 4 रुपये के बराबर होल कर लीजिए, क्योंकि बीज उतना ही है, जितना बीज होता है उससे दुगना अंदर जाना चाहिए बीज। अब जैसे ये हमने सब में बीज डाल दिए, पूरे छेदों में दो दो तीन तीन बीज डाल दिए। अब हमने ये कर लिया, इसको हल्के हाथ से ये पूरा भर दीजिए, पूरा कवर कर दिया, हल्का सा दबा दीजिए। अब इसमें पानी से स्प्रे करेंगे और बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, पूरा अच्छे से दो तीन बार तक, जो आपको लगे कि हाँ ऊपर पानी आने लगा है। फिर इसको एक शेड में रख के और अखबार ढक के दो तीन दिन भूल जाइए, पानी मत दीजिए। दो तीन दिन के बाद देखेंगे आपको स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें रात को सोक करना होता है, जैसे कि पालक के बीज हैं, इनको रात को सोक करिए तो इनकी जर्मिनेशन जल्दी होती है, हफ्ते भर में आपको फुटाव आने लगेगा। पालक के लिए वैसे ही छेद वाला, नहीं तो इसको पालक को ऐसे ऐसे बारीक बारीक बिल्कुल पास पास डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक भरे हुए। बाद में आपको लगे कि ज़्यादा हो रहे हैं तो बीच बीच में से एक एक पौधा निकाल दीजिए। अब बीज डालने के बाद हम ऊपर मिट्टी डालेंगे ऐसे ही, और जैसे हमने पहले मूली के बीजों में पानी डालना बताया था वैसे ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पाइप से नहीं डालें, नहीं तो बीज सारे एक तरफ इकट्ठे होने के बाद आपके पालक बीज का ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा ऐसे करने के बाद फिर वही टेक्निक है, पानी से इसको स्प्रे करिए और फिर वही अखबार ढक के इसे शेड में रख दीजिए, बिल्कुल डार्क में, जहाँ पे अंधेरा हो। दो तीन दिन में आप देखेंगे इसके अंदर स्प्राउटिंग हो गई है, और आपको जो लगे कि बहुत ज़्यादा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है और थोड़ा बड़ा होने दें, कम से कम 2 पोर्वे उतना बड़ा होने दें सैपलिंग को, फिर आप देखें कुछ सड़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उनको बीच में से निकालते रहिए। जो एक अलग की पौध तैयार होती है उसकी फसल आप 3 बार ले सकते हैं एक पालक के बीज से। फिर 3 दिन के बाद उसमें बीज आने शुरू होते हैं, उसे निकाल दीजिए। पालक के बाद आप ये कोशिश करिए कि उसमें पालक दोबारा ना लगाएं, क्योंकि खेतों में भी यही होता है कि एक पैदावार जो हम लगा देते हैं उसको रिपीट नहीं करते, क्योंकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें रह गए हैं, जो हम दूसरा लगाएंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में आ जाएंगे। इसलिए कभी भी एक ही मिट्टी में दो बार से ज़्यादा फसल ना लगाएं, हमेशा चेंज करें। जैसे इस बार पालक लगा दी तो अगली बार इसमें चौलाई लगाएं। अब हम आपको कटिंग से कैसे बास्केट तैयार की जाती है वो बताते हैं। जैसे हमारे पास सिस्टम जेड है, क्लांचूज हैं, क्लांचूज हमारे अक्टूबर में से मार्च तक खूब फ्लावर देते हैं, रेड कलर का फ्लावर आता है इसके अंदर। ये जेड है, ये कटिंग से लग जाता है, इसको धूप बहुत चाहिए होती है, क्लांचू को भी धूप चाहिए होती है। इसको पानी में डिप करिए और फिर इसको रूटेक्स पाउडर में हल्का सा डिप करिए, देखिए चारों तरफ उसके हार्मोन पाउडर लग गया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ देंगे और ये इसके अंदर उंगली से होल करके या वैसे ही लगा के इसको दबा देंगे और इसको साइड में ऐसे हल्के से पैट कर देंगे, दबा देंगे, वही एयर बबल्स ना रहें। थोड़े दिनों में इस पर नई पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब इस पर जड़ बननी चालू हो गई है और आपका जो पौधा है वो सेटल डाउन हो गया है। आप इसमें 2 वेराइटी भी लगा सकते हैं, जैसे हमने ही लगाया है जेड और उसके साथ क्लांचू,
जेट जो है वो नीचे ड्रूप करेगा और क्लांचो है ऊपर बढ़ेगा। तो विंटर्स में आप दोनों लगा सकते हैं और क्लांचो का सीज़न यही है, और आप कोई भी कटिंग आप लगाएंगे आपकी इस टाइम लग जाएगी। अब हमने जैसे बास्केट सब तैयार कर ली, अब पिंचिंग का भी एक टेक्निक है, जैसे हम लोग गमले में तीन लगा लिया या फ्लावरिंग का है तो उसको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है जिससे गमले भर जाए। अगर तीन लगाए हैं तो खाली तीन ही रह जाएंगे, अगर पिंचिंग करेंगे तो आपका पूरी टोकरी या जो भी आप लगा रहे हैं गमला पूरा भर जाएगा। जैसे इस वाली बास्केट में मैंने सिर्फ दो लगाए थे और टाइमली जब साइड से शूट्स आते हैं तो मैं ऐसे पिंचिंग करती गई मैं, और ये पिंचिंग फेंके नहीं, इसे भी लगा लीजिए, ये पिंचिंग कर दीजिए, पिंचिंग करते जाइए। अब यहाँ से नए शूट्स निकलेंगे, यहाँ से दिख रहे हैं ना आपको, और ये शूट्स निकलेंगे, फिर उससे और निकलेंगे, उधर से सारे निकलेंगे, निकलते जाएंगे और ये भरती जाएगी। तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी पूरी टोकरी जो है भर गई। हैंगिंग बास्केट मार्केट से लेकर आना और उसे अपने घर में लगाना तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर हम अपने हाथों से उसको तैयार करें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल में उसे बनाया जाए और फिर हम उसमें प्लांटेशन करें तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और हाँ, जो अभी तक लोग एक्सक्यूज़ देते थे कि स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, आज का हमारा एपिसोड देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो एक्सक्यूज़ भी अब दूर हो गया होगा, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँच गया है। तो हम उम्मीद करते हैं अब आप हैंगिंग बास्केट अपने घर में लगाएंगे, उसमें प्लांटेशन करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।